ओके सो फाइनली जुग जुग जियो देख लिया है एंड टू बी रियली ऑनेस्ट लास्ट का क्लाइमेक्स सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बट मेरे बगल में जितने सारे लोग बैठे हुए थे सबके सब यू नो देवर क्राइंग एंड आई वॉज लाइक थिंकिंग कि भाई मैं ह्यूमन ही हूँ ना, मतलब मेरे अंदर ह्यूमन इमोशंस है या नहीं है, बट टू बी रियली ऑनेस्ट दिस मूवी लिटरली नेल्ड इट। मतलब हर सारे इमोशंस पे ना ये टोटली स्टैंड आउट करती है। इट हैज़ सस्पेंस, इट हैज़ यू नो इंटेंस, जो हमें इंटेंस चाहिए, जो कि मोस्टली करण जौहर की मूवीज से ना, मतलब मुझे रिसेंटली मैंने मतलब रियलाइज़ किया है कि वो बस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है ना अपना अपना के, लाइक मार पीट के पिक्चरें हिट हो जाती हैं उसके, बट दिस मूवी इज़ लिटरली वर्थ वॉचिंग। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन दिस मूवी। अगर आप ट्रेलर देखोगे तो ट्रेलर में आपको लगा कि ओके ये डिवोर्स के अराउंड सेंटर्ड अराउंड है, फाइनली डिवोर्स हो जाएगा या नहीं होगा, या यू नो सम वे और अनदर वे वी कैन प्रिडिक्ट कि अच्छा कुछ यही होगा, और है वैसा भी है, मैं डिनाई नहीं करूँगा, बट जिस तरीके से स्टोरी का ट्रांजिशन गया है ना और ग्राफ गया है और जिस लेवल पे कैरेक्टर्स अपने आप को प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ ऑसम। अनिल कपूर यहाँ पे टोटली स्टैंड आउट करते हैं, वहाँ उन्होंने मतलब जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, हर कोई थिएटर में है ना हंस रहा था, मतलब उनका रेंज देखने को मिला है जो कि आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग। मुझे लगा था कि ये कहीं ना कहीं सेंटर्ड अराउंड होगी वरुण धवन कियारा की स्टोरी के, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हर एक के कैरेक्टर को ना अच्छे से स्क्रीन पे दिखाया गया, हर एक को एम्पल टाइम मिला, यहाँ तक कि बात करें हम मोस्टली सेम की सो प्रजक्ता कोहली, उनको भी यहाँ पे ना वो स्क्रीन मिला है जो कि मुझे लगा था कि शायद वही मतलब कैमियो टाइप रोल होगा या थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाया जाएगा, बट वैसा नहीं है। उनका भी एक अपना स्टोरी है, उनका भी एक जर्नी और उनका भी यू नो फेज है एक पूरे स्टोरी में, और सारी चीज़ों को जैसे इन सब का ना टेपेस्ट्री बनाया है, दैट इज़ लिटरली आउटस्टैंडिंग। मतलब ये पिक्चर अगर आप जा रहे हो तो ये पैसा वसूल मूवी है। इसके अलावा मैं बात करूँ, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से यू नो स्क्रीन पे पोर्ट्रे किए गए हैं यहाँ पे, लेकिन एक कैरेक्टर से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको और ज़्यादा शो किया जा सकता था। लाइक फर्स्ट इंटरवल तक ना स्टोरी बहुत थोड़ा सा घिसती है, बट सेकंड के बाद है ना वो रेंज हमें दिखता है, बट थोड़ा सा है ना एक्सप्लोर और किया जा सकता था उस रेंज को, थोड़ा सा क्लीशे गई है। यहाँ पे बस यही है कि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, सो उसकी वजह से ना मूवी बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो जाती है, लाइक फुल मसाला मूवी है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जुग जुग जियो जाके देखोगे, या डाउट में हो कि देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, तो आई विल जस्ट से कि आप जाओ। बस ये है कि आप एंटरटेनिंग सोच के जाना कि ये मूवी एंटरटेनिंग है। अगर आप किसी एजेंडा के साथ जाओगे ना कि बस हेट करना है, तो आई थिंक आप इन्जॉय उतना नहीं कर पाओगे, बट अगर आप जा रहे हो कि मैं मज़े करके देखूँ, तो ये मूवी टोटली एंटरटेनिंग है। सो जाओ देखो और ऐश करो।